वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हम आज मलकपेट में और यहाँ पर आज मैं यानी घर पर पला हुआ ओंगोल का मेंढा बतलाने वाला हूँ। तो सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से और लेंथ वगैरह देखिए आप माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, फिर से आप अल्लाह करम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। नईम भाई, आपका एड्रेस कहाँ पर है मलकपेट में? ये मलकपेट एजाज स्कूल के सामने ग्राउंड में जो है, ये बास्केटबॉल ग्राउंड में है। मलकपेट एजाज स्कूल, आइजा स्कूल। हाँ ओके। और बास्केटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड में है ये बकरों का। कोई अगर कॉल करे तो लोकेशन भी भिजवा देंगे ना? बिल्कुल भेज दे सकते हैं। कितने बकरे हैं आपके पास? मेरे पास अभी पाँच बकरे हैं। पाँच से छः बकरे हैं? जी हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला एक क्या डिटेल है इसकी, कब से पाल रहे हैं आप इसको? ये बकरा मेरे पास करीबन ढाई साल से है। ढाई साल से आपके पास? मेरे पास घर का था जब लाए थे आप ये। मैं ये बकरा जब लिए जब मेरे ये दो दांत पे था, ये दो दांत पे था। दो दांत चार चढ़ा रहा था, दो दांत हो गए थे इसके लिए। अच्छा, अभी आठ दांत पे है। अब ये आठ अभी फ्रेश लगाया अभी जी। सिंह पूरे जॉइंट है, देखें प्योर ओंगोल है। और क्या वेट होगा इसका? अभी एक महीना पहले कराया था इसका, 77 केजीज था। 77 केजीज लाइव वेट, लाइव वेट था एक महीना पहले। और आपने जब आया था जब क्या वेट था? करीबन जो है मैं समझता हूँ 50 के करीब था, 45 या 50 था, क्योंकि मैं बिल्कुल चार रात पे गया था। दो रात तो और भी कम था होगा शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं है। दो साल में काफ़ी अच्छा वेट बढ़ा लेते मेंढे। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या क्या देते हैं भाई? इन्हें कच्ची सुक्की दोनों चुन्नी पे सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो गेहूँ वगैरह भी दे सकते हैं। अच्छा। घास और जो है चुन्नी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, आप पलटाइए इसको, चलाइए थोड़ा, मारना करना ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली बकरा है, घर में बच्चों के साथ रहता है बकरा बिल्कुल। ओके, वालेकुम अस्सलाम। क्या रख रहे हैं आप इसका आसिंग प्राइस? ये मैं 42 रख रहा हूँ। देखिए साहब, 42,000 आसिंग प्राइस। जी हाँ, इसमें नेगोशिएबल हो जाएंगे? बराबर होगा जो है अपने हिसाब से, स्लाइडली जो भी नेगोशिएबल बराबर हो जाएंगे। बाल कब कटाए थे आप इसके? ये बाल कटा के एक दो महीने हो रहा साहब। दो महीने हो रहा। गर्मा आ रहा बोल के पूरे बाल गर्दन के पूरे निकाल दिया था बाल। ओके, पूरा तैयार है देखिए हर तरफ से। और दो से ढाई साल के आसपास से घर पे पल रहा सब बकरा है। आप देखिए ऊपर पुट्ठा वगैरह एकदम तैयार है, वेट में भी अच्छा है और साइज़ भी अच्छा है। 40,000 आस्किंग है बोले ना? 42,000 आस्किंग, इसमें नेगोशिएबल भी है इंशाल्लाह। ठीक है, और जो दूसरे बकरे हैं वो बतलाइए। नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर एक और नेल्लूर जुड़ूपी है ओंगोल, और यहाँ से आपके शो क्वालिटी के बकरे। शो क्वालिटी के बकरे, ये जो है चार दांत चढ़ाया हुआ है अभी। चार दांत लगाया अभी लगाया रमजान में चार दांत। आपका एक्सपीरियंस कितना है बतला रहे थे आप बकरों में? अल्हम्दुलिल्लाह, ये साहब हम तो बचपन से इसी में गुजरे हुए यही कारोबार में है। अच्छा, अभी फिलहाल मेरे पास जो है फार्म पे 500-600 बकरा और 250 मेंढिया है माशाल्लाह। और जो है कार बच्चे भी जो है अभी करीबन 100 के करीब बच्चे कोतमिया जो है निकल जाते हैं, वो भी आप 150 के करीब। अच्छा, अगर किसी को क्वांटिटी में होना है तो मिलेंगे आपके पास? नहीं साहब, हम ईद का ईद निकालते हैं और जो है रमज़ान में जो जने में मेंढिया थके हुए रहते हैं वो होटल लाइन वाले जो है हमारे पास से ले लेते हैं हर साल। अच्छा, तो स्टॉल कहाँ लगता है आपका जब ईद के टाइम पे सेल करते हैं? ये जो है जेल प्रेस की रोड पे जो नया पंप है, पंप के बिल्कुल अपोजिट लगता है। अच्छा, तो चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उस पर कॉल कर सकते हैं आप। अभी यहाँ से मैं जो घर के बकरे हैं शो के वो बतला रहा हूँ। ये जो नेल्लूर जुड़ूपी है चार दांत पे, और वेट क्या है इसका? ये रहता साहब ये 55 केजीज रहता, 50 to 55। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट में आपके पास ये पूरा एक गुलाबी बच्चा है, कौन सी नस्ल? ये गुंटूर है भाई, पेंसिल कान पे गुंटूर है जी। ये भी जो है अभी रिसेंटली चार दांत चढ़ाया हुआ है रमजान में। चार दांत लगाया अभी? लगाया अभी। क्या वेट है इसका? इसका भी रहता आपको 50-55 केजीज के आसपास रहता। 50-55 केजीज लाइव है? स्पॉटलेस वाइट है ना? बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट है, मार्बल सिंखुर वगैरह मार्बल है। ये आप घर पे रख लिए? ये घर पे शौक के लिए रखा हुआ है। उस साइड पेंसिल कान है सर जी, काफ़ी तेज़ है देखिए, एक्टिविटी बहुत है माशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास ये एक है, ये कौन सी? ये माशाल्लाह है, ये दो दांत पे माशाल्लाह है, दो दांत का माशाल्लाह है। और इसके भी बाल पूरे ट्रिम करा दिया, पूरे बाल ट्रिम करा दिया गरमा में। क्या वेट है इसका? इसका भी 50 केजीस रहता साहब वेट। ये भी 50 केजीस लाइव वेट, लाइव 50 केजीस दो दांत पे। अब देखिए क्लोजअप भी इसका, यानी तैयारी वगैरह अच्छी है इसकी, साइज अच्छा है। ये कब से है आपके पास घर पे? ये बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल यानी दूध के बच्चे थे, अब से रखा सा हूँ ये बच्चे। अच्छा, जब छोटे बच्चे थे बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल चारा फार्म के बच्चे हैं? ये मेरे फार्म के छह चारा पकड़े से बच्चे है, ये वहाँ से हटा लिया मैं। अच्छा, यानी जो आपकी फार्म की ब्रीड आ रही है उसमें कुछ बच्चे आप लाके? बिल्कुल, घर पर रख के शौक कर लेता हूँ बच्चों के वास्ते, तो ये बच्चे हमारे बार बार वहीं जाएंगे बोलते हैं जी जी। यानी फैमिली शौक है ये? बिल्कुल खानदानी है सब हमारा, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा शौक है। ठीक है, तो ये सारे बकरे आपके शौक के? और भी है इसमें? और एक बेम्बुला बेटा। नेक्स्ट पे यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कलर पैटर्न वगैरह, ये कौन सी नस्ल? ये वेम्बुरी टिटियापुरम वेम्बुर है साहब, ये तमिलनाडु ब्रीड है। ओके, ये भी चार दांत अभी ये भी चढ़ाया हुआ है।
अच्छा, और बिल्कुल जो है ये भी ऑलमोस्ट 50 to 55 केजीज पर रहता है। 50 to 55 लाइव वेट रहता है। और ये नस्ल एग्रेसिव बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव है ये, इसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। बिल्कुल, आप बैठाइए उस साइड में, एकदम खुले सिंगों में देखिए डार्क पैटर्न है, लुकिंग वगैरह बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, तो एज ए ब्रीडर रखे हुए अभी या कुर्बानी में देंगे? नहीं, ये कुर्बानी के लिए, ये तो घर में कुर्बानी दे देने के लिए। अच्छा, आपके घर की कुर्बानी। एज ए ब्रीडर इसका बाबा जो है वहाँ फार्म पे है वो तो। ओके, तो वो इंशाल्लाह इससे पहले ला लेने हैं, वो तीन चार और ब्रीडर्स को लाना है फार्म पे। चलिए, तो सेल के लिए अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही है वो बड़ा बकरा, 200 पहला बताया हम, वो फॉर सेल है। ओके, देखिए सारे बकरे आप जो देखें ये सारे शो क्वालिटी थे यहाँ तक, और ये वाला जो सबसे बड़ा है ये सेल के लिए अवेलेबल है। 42,000 आस्किंग है इसका, इसमें नेगोशिएबिलिटी हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड हो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल करके बात कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।